हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलोपन विधि का एक और महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं और ये आपको अच्छे से सीख लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये अध्याय 3 में जितने भी सवाल इम्पोर्टेंट है हम लोग सभी कर रहे हैं, और इसके पहले हमने सभी सवाल किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ तो आप आई बटन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा तो उस पर जाओगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको कैसे करना है, जो हमें समीकरण दिए गए हैं सबसे पहले तो हम उनको लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो समीकरण हमें दिए गए हैं एक्स बटे 2 प्लस वाई बटे 3 बराबर -1। ठीक है, दूसरा हमें दिया गया है, इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अभी नहीं बना रहे, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर बनाते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6। कैसे निकालते हैं लघुत्तम? 2 3 बनता तो है ना, 2 एकम 2, 3 ज्यों का त्यों, फिर 3 एकम 3। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये एलसीएम आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करो, तो ऊपर क्या लिखा है? एक्स लिखा है ना, तो 3 का गुणा x में करो। यहाँ पे गुणा करोगे, यहाँ पे भाग दिया है, समझो इस बात को। 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार। 6 का भाग किस में? ये देखो, 2 का भाग 6 में करो, 2 तिया 6 कितने बार गया? 3। तो 3 उंगली खोल लो, मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताना चाहूंगा, जितनी बार भाग गया उतनी उंगली खोल लो। 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार। 3 का गुणा ऊपर वाली, 3x, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 3x। प्लस लगा है तो प्लस लगा लो, फिर 3 का भाग फिर 6 में 2, तो 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में क्या लिखा है? 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2। आया समझ में? फिर बराबर कितना लगा है बताओ? -1। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको। अब जब बराबर का चिन्ह हो, 2 बटे वाली संख्या है, तो इसको भी बटे में कर सकते हैं। एक कोई भी संख्या हो उसके बटे में हम 1 कर सकते हैं आराम से। इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, कितना सरल है। इसे बोलते हैं तिर्यक गुणा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं तिर्यक गुणा। चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो 1 का इसमें कर लो, क्या आएगा? 3x+2y बराबर 6 एकम 6 -6, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा था, 6 एकम 6। इसका इसमें किया ये आ गया, इसका इसमें कर दिया तो 6 आ गया। अब इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब ये बटे वाली संख्याएं दी गई हैं, सो इससे हमने एक सीधी रेखा वाला समीकरण बना लिया। अब दूसरा हमें समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा जो दूसरा समीकरण दिया गया है उसको भी लिख लो, x-y/3 = 3। यही दिया गया है ना, तो अब इसका भी हमें क्या करना होगा? सीधी रेखा वाला समीकरण बनाना है। तो इसका एलसीएम 2 तरीके, या तो इसके बटे 1 कर लो और इसका एलसीएम ले लो, कि 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, उसमें लग जाएगा टाइम। तो एक दूसरी ट्रिक है कि अगर एक संख्या के बटे बस हो और दूसरी संख्या के बटे ना हो तो क्या करेंगे? जिसके बटे संख्या है उसका गुणा इसमें कर दो, फिर सबके बटे में वही संख्या लिख दो, तो 3 का गुणा x में कर दो, क्या आएगा बताओ? 3x। समय आपका बच जाएगा और ये ट्रिक भी अच्छी है। तो 3x माइनस में क्या लिखा है? 2, तो इसको हम ज्यों का त्यों ही लिखेंगे। अब अभी 2 बस के बटे 3 था, अब सबके बटे 3 कर, ये देखो ये सबके बटे 3 कर लिया ना, 2
बराबर में क्या है बताओ, बराबर में अपना 3। अब देखो बटे वाली संख्या आ गई, बीच में बराबर है तो इसके बटे भी एक कर लो, तिर्यक गुणा कर लो। कौन सा गुणा? तिर्यक गुणा। चलिए कर लेते हैं तिर्यक गुणा, इसका इसमें कर लो, इसका इसमें। तो इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, 3x-y बराबर 3×9। आया समझ में कि नहीं? अब तो ये सीधी रेखा में आ गया, तो इसे बना लो समीकरण 2। कितना सरल है बताओ, एक बार करोगे पूरा प्रैक्टिस से आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? अब समीकरण 1 व 2 को साथ में लिख लो ना, फिर यहीं से दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यहाँ पे 2 लिखा है, साथ में लिख देता हूं, हो सकता है आप पे ना बने। तो समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर लिख लेते हैं, उसको लिख लो पहले। समीकरण 1 को क्या है, 3x+ क्या है, 2y बराबर क्या है, -6। ये क्या है समीकरण 1 अपना, ये लिख लो 3x- क्या है, y बराबर क्या है, 9। ये लिख लो अपना समीकरण 2। अब आपको y के गुणांक समान करने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बताओ y का गुणांक कितना है, y के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा बताओ? बिल्कुल माना जाएगा। तो यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 2। तो 1 का गुणा कर दो इस पूरे समीकरण में और 2 का गुणा कर दो इस पूरे समीकरण में, बस तो समान हो जाएंगे, तो आपको पता तो है ही, ठीक है? चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना कि समीकरण 1 में बताओ कितने का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में इस 1 का गुणा, देखो नीचे वाला जो बाई है उसमें उसका जो भी गुणांक है उसका गुणा इसमें कर दो, तो 1 का गुणा होगा पूरे में। तथा समीकरण 2 में कितने का करोगे, इसमें नीचे वाले में ऊपर वाले y का जितना गुणांक होगा वो नीचे वाले समीकरण में गुणा कर देगा, तो 2 का होगा ना। तथा समीकरण 2 में दो का गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं, तो 1 का करोगे तो पूरा समीकरण ज्यों का त्यों, क्योंकि 1 में कुछ चेंजेस नहीं आते और प्लस माइनस का कभी गुणा करना नहीं, कभी नहीं होता। तो क्या आएगा, 3x+2y बराबर -6। 1 का किया तो पूरा समीकरण ज्यों का त्यों, लेकिन अब हम इसे गुणा किया है तो अब हम इसे समीकरण 3 बना सकते हैं, ठीक है? ऐसा। अब इसमें कर दो, तो 2 का करोगे तो 2 3 6x, 2 का y में करोगे तो माइनस तो लगा था पहले से, तो वो तो लगाना ही है, 2 का y में करोगे तो क्या आएगा, 2y, दिख रहा है ना? ओके। पर 2 का करोगे 9 में तो 9 2 18, इसको बना दो समीकरण 4। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर y का गुणांक जो है वो अलग अलग चिन्हों के साथ में है तो जोड़ दीजिएगा, और अगर एक से चिन्ह है प्लस प्लस का होता माइनस माइनस का होता तो घटा देना। अभी बताओ ये कैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है ना, तो जोड़ देने पर। तो यहाँ पे लिखना आपको जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, 6 और 3 जोड़ो तो कितने आएंगे, 9x। इसके बाद ये देखो प्लस का 2y और माइनस का 2y कट जाएगा सीधा सीधा, तो बराबर के बाद क्या आएगा, 18 में से 6 चले जाएंगे तो 12 आएंगे, कितने आएंगे, 12 प्लस के, क्योंकि धन की संख्या बड़ी थी ऋण की छोटी थी, तो 12 आ गया कि नहीं, क्योंकि 12 और 6 18 होते हैं। तो x बराबर क्या आएगा बताओ, 12/9। कैंसिल करें क्या, 3 से हो जाएंगे, 3 3×9 और 3 4 12, 4/3 x का मान आएगा।
बताओ कोई डाउट है क्या इसमें? आया समझ में? अब एक्स का मान कहाँ पे रखना है बताओ? समीकरण एक में नियम वही है, एक्स का मान एक बार करके देख लेना बनने लगेगा। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए रख देते हैं। कहाँ है समीकरण एक? ये है देखो, यहां से पूरा तीन, लेकिन तीन के बाद क्या लिखा है? एक्स। एक्स का मान कितना है? 4/3। तो यहाँ पे रख लो 4/3। फिर क्या लिखा है? +2y = -6। तो यहाँ पे लिख लो +2y = -6। सिर्फ एक्स की जगह पर उसका मान रख लो बस। तीन से तीन कट गया, क्या बचा? 4। प्लस में कितना आया? 2y। बराबर कितना आएगा? -6। अब हमें संख्या संख्या एक तरफ कर लो, बाई बाई एक तरफ कर लो। तो ये संख्या, इसको संख्या के साथ में लेकर आओ। तो अभी इसको नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2y। बराबर लगा है तो बराबर, माइनस लगा है तो माइनस, 6 लिखा है तो 6। इसको ज्यों का त्यों लिख दिया बिल्कुल ऊपर से उठा के। अब ये प्लस का 4 है क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का माना जाएगा। इस तरफ लेकर आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2y = कितना आएगा? -6 और -4, -10 हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो y का मान, y अकेला हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि 2 को तो हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो y = कितना आएगा? 10, -10/ कितना आएगा? 2। 2 एकम 2 और 2 5 10। तो y का मान कितना आएगा बताओ? -5। ये एक्स व वाई के मान आ गए। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। आपको लिख देना है कि अतः एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना समीकरण निकायों के हल है। बताओ आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? नोट कर लो अच्छे से, मैं साइड में खड़ा हूँ, नोट कर लो बहुत ही अच्छे से। कर लिया? वीडियो को रोक के नोट कर लो और डिस्क्रिप्शन चेक कर लो इसके बाद कि कौन कौन से सवाल मैंने करवा दिए हैं। सारे अच्छे से रिवीजन कर लो और सारी गणित पहले से ही कराई हुई है। यदि आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वो भी चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।